नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फार्मा फ्रेंड पर। इस वीडियो के माध्यम से फटाफट जानेंगे कि क्या एप्पल साइडर विनेगर हमारी स्किन यानी त्वचा को गोरा बना सकता है या नहीं। हमारी त्वचा, खास तौर पर चेहरे की त्वचा पर छोटे छोटे छिद्र यानी कि पोर्स होते हैं, जिनसे एक बहुत सारा सामान्य शब्दों में कहूँ कि जिससे कि हमारी स्किन सांस लेती है, जिनका स्वस्थ और साफ रहना बेहद जरूरी होता है। लेकिन समय के साथ साथ धूल मिट्टी, धूप, सनलाइट, एक्सपोजर टू सनलाइट, एक्सेसिव ऑयल यानी कि तेल और स्किन के डेड सेल्स जमा होने की वजह से ये छिद्र बंद हो जाते हैं और हमारी स्किन बेहद डल दिखने लगती है। अब ये माना गया है कि एप्पल साइडर विनेगर में मौजूद हाइड्रोक्सी एसिड और एसिटिक एसिड इस एक्सेसिव ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से ये पोर्स, ये छिद्र खुल जाते हैं और हमारी स्किन एक्सफोलिएट हो जाती है और हमारी स्किन के पीएच का जो पीएच है वो भी मेंटेन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ग्लो करने लगती है। तो ये मैकेनिज्म, ये कार्य प्रणाली काफी हद तक एक्सेप्टेबल है, लेकिन इस बात को इस पॉइंट के साथ जोड़ना कि एप्पल साइडर विनेगर हमारी स्किन के कलर को गोरा बना देगा, ये काफी हद तक गलत है। इसको आप ऐसे समझिए, इसका जो प्रिंसिपल है, जो कॉन्सेप्ट, अगर उसको हम समझें तो हमारी स्किन का जो कलर है यानी कि त्वचा का जो रंग है, वो हमारी त्वचा पर मौजूद मेलेनोसाइट नामक सेल्स द्वारा निर्धारित होता है और मेलेनोसाइट्स की संरचना अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी पर आधारित होती है, जिसे कोई भी चीज बदल नहीं सकती। तो अब आते हैं फैक्ट्स के ऊपर। बेसिकली अभी तक कोई भी ऐसा क्लिनिकल एविडेंस नहीं है जिससे कि यह साबित हो सके कि एप्पल साइडर विनेगर के हमारी स्किन के ऊपर कुछ बेनिफिट्स हैं, बल्कि इसके विपरीत कई अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रों के अनुसार एप्पल साइडर विनेगर के काफी साइड इफेक्ट्स भी होते हैं हमारी स्किन के ऊपर। बहुत सारे डर्मेटोलॉजी के जर्नल्स हैं, रिसर्च, जिसमें पब्लिकेशन होते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एप्पल साइडर विनेगर में एसिटिक एसिड के अलावा 5 और एसिड्स भी होते हैं, जिनका कि काफ़ी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी स्किन के ऊपर पड़ता है, जैसे कि ड्राइनेस, इरिटेशन, यहाँ तक कि केमिकल बर्न। सो बेसिकली अगर एप्पल साइडर विनेगर में कोई ऐसा क्लिनिकल एविडेंस होता उसकी स्किन के बेनिफिट्स के ऊपर, तो डेफिनेटली ये डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि त्वचा रोग विशेषज्ञों द्वारा सुझाया भी जाता है। वीडियो का सार ये है कि ये मान लेना कि एप्पल साइडर विनेगर हमारी त्वचा के रंग को गोरा बना सकता है, ये महज भ्रम है। इसके अलावा भी बहुत सारे कमेंट और ईमेल्स के जरिए मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि एप्पल साइडर विनेगर के एप्लीकेशन के बाद हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। जब मैंने उसमें काफ़ी डिटेल में उनसे चर्चा करी तो उसमें पाया गया कि उन्होंने एप्पल साइडर विनेगर का डायरेक्ट एप्लीकेशन कर लिया था स्किन के ऊपर। देखिए, एप्पल साइडर विनेगर एक फर्मेंटेड प्रोसेस के तहत उत्पन्न हुआ एक उत्पाद है जो कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स को कंसिस्ट करता है। उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा में एसिड अम्ल होते हैं, जिनका कि काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। डाइल्यूशन बहुत ज़रूरी होता है एसिड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दोस्तों, ये था एक संक्षिप्त में क्विक ब्रीफ वीडियो ऑन क्या एप्पल साइडर विनेगर के इफेक्ट्स हैं हमारी स्किन के ऊपर। इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी हो, सवाल हो, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और बस चलता हूँ मैं, जल्दी मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।